बता दें कि सहारा में डूबा हुआ पैसा वापस पाने के लिए कुछ दिनों का और इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सहारा के निवेशकों का डूबा हुआ पैसा वापस दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पास एक याचिका दायर की थी, जिसके तहत आप लोगों को पता है कि 5,000 करोड़ रुपए पास किए गए थे, जो कि हर एक निवेशक को शुरुआत में 10,000 रुपये देने की बात कही गई थी। लेकिन आप लोगों को बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि किसी भी निवेशक को 1 भी रुपया नहीं मिला है, बल्कि पूरे 7 महीने बीत चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को पूरे सेबी खाते से 5,000 करोड़ रुपए पास किए थे, जो कि हर एक निवेशक को शुरुआत में 10,000 रुपये देने की बात कही गई थी। और आप लोगों को पता है कि CRCS पोर्टल का गठन 18 जुलाई 2023 को किया गया था, जिसके तहत सहारा की सहकारी समितियां, जिसमें से 4 सहकारी समितियों को चुना गया था कि इन 4 सोसाइटियों का पैसा आप लोगों को रिफंड के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप लोगों को बता दें कि निवेशकों को आवेदन करे पूरे 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन किसी भी निवेशक को 1 रुपया नहीं मिला है, बल्कि उनको कमियां बताई गई हैं। अब उन कमियों को सुधारने के लिए पुनर्समिशन लॉगिन का एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं। अब जिन निवेशकों में कमियां आई हुई हैं, वो लोग पुनर्समिशन लॉगिन पे क्लिक करके अपनी कमियों को सुधार करने के बाद पुनः आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि सहारा में बहुत सारी समितियां बनी हुई थी, सोसाइटियां बनी हुई थी, जिसमें से केवल शुरुआत में 4 सोसाइटियों का पैसा देने की बात कही गई थी। आप लोगों को एक एक करके 4 सोसाइटियों का नाम मैं बताने वाला हूँ। नंबर 1 पे है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ। नंबर 2 पे है सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल। नंबर 3 पे है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता। नंबर 4 और आखिरी है स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। शुरुआत में आप लोगों को बता दें कि केवल इन 4 सोसाइटियों का पैसा देने की बात कही गई थी। अगर ये पैसा फाइनली सभी निवेशकों के अकाउंट में पहुंच जाता तो हो सकता है सहारा की और भी सोसाइटियों का पैसा रिलीज किया जाता। लेकिन दुख की बात ये है कि अभी तक केवल 241 करोड़ रुपए का ही रिफंड दिया गया है, जो कि बहुत कम राशि है और बहुत कम परसेंटेज में। आप लोगों को बता दें कि 0.87 मतलब 0.87% निवेशकों को ही रिफंड मिला है। अभी बहुत सारे निवेशकों को रिफंड मिलना बाकी है, और जिन निवेशकों में कमियां आई हुई हैं, उन लोगों को यहां पे पुनः सबमिशन लॉगिन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद उनके सामने एक नया पोर्टल लॉन्च हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है वेलकम टू द रिसबमिशन पोर्टल। अब इस पॉपअप को आप लोग क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आप लोग यहाँ पे लैंग्वेज को हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पुनः सबमिशन लॉगिन, आप लोगों को इसी पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों को बता दें कि जब आप लोगों ने पहली बार आवेदन किया था, तब आप लोगों को दावा आवेदन संख्या मिली होगी, जिसको CRN नंबर भी बोला जाता है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे दर्ज करना होगा। उसके बाद आप लोगों को नीचे कैप्चा दर्ज करना होगा। उसके बाद आप लोगों को मान्य पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप मान्य पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड की जाएगी। उस OTP को फिलअप करने के बाद आपके सामने एक बार फिर से पुनः सबमिशन लॉगिन के माध्यम से आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। अब उस फॉर्म में जिस प्रकार की आप लोगों को कमी बताई गई है, उस कमी को सुधारने के बाद ही आप लोगों को पुनः आवेदन करना होगा, वरना आप लोगों का फॉर्म एक बार फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को हम बताते चलें कि अभी केवल 0 से 19,999 वाले कमी निवेशक ही आवेदन कर सकेंगे, जिसके लिए क्रमशः 15 नवंबर और 25 नवंबर से साइट को पूरी तरीके से चालू कर दिया गया है। तीसरा चरण जो सभी पात्र जमाकर्ताओं के लिए है, इसमें लिखा है जल्द ही सूचित किया जाएगा। अभी सभी पात्र जमाकर्ताओं जिनका अमाउंट 20,000 से ज्यादा है,
वो लोग अभी आवेदन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अभी कोई भी निश्चित डेट नहीं दे रखी है। इसी के साथ में पॉइंट नंबर 5 जो लिखा हुआ है, पुनः सबमिट किए गए आवेदन पर 45 कार्य दिवसों के अंदर कार्रवाई की जाएगी। ये प्रोसेस बिल्कुल सेम तरीके से किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि शुरुआत में जब आप लोगों ने आवेदन किया था, आवेदन करने के 45 कार्य दिवसों का इंतजार करने की बात कही गई थी, ठीक उसी प्रकार से आप लोग जब पुनः आवेदन करेंगे तब आप लोगों को एक बार फिर से 45 कार्य दिवसों का इंतजार करना पड़ेगा। इसी के साथ में आप लोगों को बता दें कि जिन निवेशकों ने अपना एक बार भी आवेदन नहीं किया है, वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी निवेशक का पेमेंट रिलीज हो जाए तब आवेदन करें, तो ये गलती वो लोग ना करें। पॉइंट नंबर 2 में आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है, यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हैं तो कृपया लिंक के माध्यम से पंजीकरण करें और अपने दावे जमा करें। जिन निवेशकों ने अपना आवेदन नहीं किया है, पहली बार उपयोगकर्ता हैं, तो उन लोगों को पुराने वाले पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए उनके बैंक खाते में आधार कार्ड का सीड होना अति आवश्यक है। इसी के साथ में उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का लिंक होना भी बहुत जरूरी है। तो आप लोग अपने फॉर्म को आवेदन जरूर कर लें, क्योंकि जब तक आप अपने फॉर्म को आवेदन नहीं करेंगे तब तक आप लोगों की मांग जो है सरकार के पास नहीं पहुंचेगी। तो अभी साइट की हो सकता है प्रॉब्लम हो, आप लोग आवेदन ना कर पाए, लेकिन आप लोगों को ट्राई करते रहना है, प्रयास करते रहना है। जैसे ही सर्वर का लोड कम पड़ेगा वैसे ही आप लोग पुनः आवेदन या नया आवेदन कर सकेंगे। अभी के लिए आप लोगों को इंतजार कर लेना है। 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू होने वाला है, हो सकता है उसके बाद आप लोगों को सहारा से रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट मिल जाए। अभी के लिए आप लोगों को वेट कर लेना है, और साथ ही में जिन निवेशकों ने अपना आवेदन नहीं किया है वो लोग जल्दी से जल्दी CRCS पोर्टल पे जाके अपना फॉर्म आवेदन जरूर कर लें। यही छोटी सी अपडेट थी जो कि आप लोगों